दोस्तों, ये कहानी है एक माइक्रोनेशन यानी लघु राष्ट्र की और एक आदमी के इंडिपेंडेंस को लेकर संघर्ष की। हेलो दोस्तों, कथा संगम चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपको बताऊंगा दुनिया के सबसे छोटे देशों में बड़े देश की कहानी। द प्रिंसिपैलिटी ऑफ हट रिवर, जिसे अक्सर उसके पूर्व नाम द हट रिवर प्रोविंस के नाम से भी जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया में एक गैर मान्यता प्राप्त माइक्रोनेशन है। रियासत 21 अप्रैल 1970 को स्थापित एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य होने का दावा करती है। ये क्षेत्र पर्थ के उत्तर में 517 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य के नॉर्थम्पटन शहर के पास है। इसका क्षेत्रफल 75 स्क्वायर किलोमीटर है, जो इसे कई स्वतंत्र देशों से बड़ा बनाता है। यह ऑस्ट्रेलिया सरकार या किसी अन्य राष्ट्रीय सरकार द्वारा एक देश के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है और ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए प्रस्तुतियां अस्वीकार की है कि यह ऑस्ट्रेलिया कानूनों के अधीन नहीं है। रियासत 31 जनवरी 2020 के बाद पर्यटकों के लिए बंद होने की घोषणा करने तक एक राष्ट्रीय पर्यटक स्थल था। यह अपने मुद्रा, टिकट और पासपोर्ट जारी करता था। माइक्रोनेशन के स्थापना लियोनार्डो कैसले ने अपने खेत को एक स्वतंत्र देश हट रिवर प्रांत घोषित किया। उन्होंने गेहूं उत्पादन कोटा के विवाद पर ऑस्ट्रेलिया से अलग कराने का प्रयास किया। कुछ साल बाद कैसले ने खुद को प्रिंस लियोनार्ड के रूप में कहना शुरू कर दिया और परिवार के सदस्यों को शाही खिताब प्रदान किया। हालांकि उन्होंने 2006 तक आधिकारिक नाम से रियासत शब्द को शामिल नहीं किया था। फरवरी 2017 में 91 साल की उम्र में और 45 साल तक शासन करने के बाद कैसले ने अपने छोटे बेटे प्रिंस ग्रीम के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया। 13 फरवरी 2019 को लियोनार्डो कैसले की मृत्यु हो गई। आइए जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। 2008 में यूरोपियन संघ ने हट रिवर के पासपोर्ट को काल्पनिक पासपोर्ट की संज्ञा दी है। हट रिवर की मुद्रा डॉलर है, जिसके 100 सेंट्स में विभाजित किया गया है, जो कि हट नदी डॉलर ऑस्ट्रेलिया डॉलर के साथ 1:1 अनुपात में आंकी गई है। माइक्रोनेशंस की विकिपीडिया पर एक लंबी लिस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ आप वहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी कैसी लगी और हमें बताइए आप कौन सी स्टोरी सुनना पसंद करेंगे। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।